पेन रेजिस्टेंस। पागलपन की वजह से और उसका टॉर्चर स्पिरिचुअली गिफ्टेड होने की वजह से वो खुद के लिए एक पेन रेजिस्टेंस तैयार कर लेता है। बहुत सालों में मून नाइट की बॉडी में बहुत सारे जगह पर चोट आई है, इस वजह से वो पेन से बहुत ही इम्यून हो चुका है, या फिर पेन उसके शरीर के लिए एक अहम हिस्सा बन चुका है। और इस बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि टास्क मास्टर, जो कि किसी के भी फाइटिंग स्टाइल्स कॉपी करने के लिए जाना जाता है, वो मून नाइट की फाइटिंग स्किल्स इसलिए कॉपी नहीं कर पाता क्योंकि मून नाइट का एक अपना अलग ही तरीका है, क्या कहे उसका एक अलग ही पागलपन है। वो किसी भी पंच को ब्लॉक करने के बजाय उसे अपने ऊपर लेता है। ऐसा वो क्यों करता है ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक उसके पेन रेजिस्टेंस का सवाल है, वो शायद इसलिए करता होगा कि उसे उसकी आदत हो चुकी होगी। अगली पावर है टेलीपैथिक रेजिस्टेंस। स्पेक्टर के मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से वो किसी भी टेलीपैथिक अटैक को या फिर साइकिक अटैक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अब बात करते हैं मून नाइट के वीकनेस के बारे में। उसकी एक ही वीकनेस है और वो है ब्रेन डैमेज। जब पहले पहले मार्क अपने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा था, तब उसे ये पता चला कि जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज उसने अपनी लाइफ में क्रिएट की है, वो असल में कोसिक्वेंस है खोंशु के अवतार के। देखा जाए तो खोंशु के चार एस्पेक्ट्स है, जो कि है पाथफाइंडर, एम्ब्रेसर, डिफेंडर और वॉचर, जिसका मतलब है एक खोजबीन करने वाला, दूसरा ग्रहण करने वाला, तीसरा रक्षा करने वाला और चौथा निगरानी करने वाला। और इन एस्पेक्ट्स का स्पेक्टर के पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा। स्पेक्टर्स ने जो पर्सनैलिटीज क्रिएट की थी वो लगभग खोंशु के उन चार एस्पेक्ट जैसी ही थी। इस वजह से वो खोंशु के एसेंस में चली गई और मार्क का माइंड खोंशु ने कॉलोनाइज्ड कर लिया, और उन डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ अब वो किसी भी डैमेज को सहने के लिए लायक बन चुका था। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि अगले वीडियो में आपको किसका ओरिजिन चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।